आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। मैं लारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के तहत चोरी की वारदातों का बाजार हुआ सरगर्म। हर आए दिन मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के तहत कई सारी चोरी की वारदातें अंजाम दी जा रही है। फिर एक मरतबा मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के तहत एक घर में चोरी की वारदात अंजाम दी गई। घर वाले किसी तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे, लेकिन जब ये लोग घर वापस पहुंचे तो देखा कि घर के तमाम ताले टूटे हुई हालत में पाए गए और तमाम का तमाम सामान बिखरा हुआ हालत में पाया गया। साथ ही चोरों ने छत के रास्ते मकान में दाखिल हुए और घर से 4 तोला सोने के जेवरात, एक टीवी और दिगर कई सारे तांबे के बर्तन और 14,000 रुपये की नकदी रकम लेकर राय फरारी अख्तियार की। मुतासरीन ने फौरी तौर पर मुतालिका मलारदेवपल्ली पुलिस को इस बात की इतला दी। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर तमाम शवाहद इकट्ठा करते हुए मुख्तलिफ जावियों से और सीसीटीवी कैमरास की मदद से शातिर चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की एक खसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम शहनाज बेगम है, मैं आड़े पार की दरगाह के पास बिस्मिल्लाह वाहिद मस्जिद की गली में रहती हूँ। मेरे घर में मैं फंक्शन को गई थी, 10 बजे गई, 2 बजे आई। मैं अभी आते जस्ट मेरे पास घर को आते मेरा घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है, हर वो चीज़ बिखरी हुई है। टीवी गायब है मेरे घर में, ऊपर से कई चीज़ें गायब है, जेवर गायब है, रानी हार, बच्चे की गले की छोटी चैन, पदक गायब है एक, और बोलते सो कैश एक 10,000 था पेटीकोट के अंदर, और बोलते सो पर्स के अंदर 1,000-2,000 रुपये थे। और हमारे घर वालों के ये फाइनेंस के देखिए, आप ये चिट्ठियां हैं, आप देख सकते हैं, अप्रैल में बन गया अनमोल फाइनेंस वालों का, जाके पूछ सकते हैं। इनके पैसे भी एकदम पूरे दियो, नहीं तो ऑटो खींच लेते, बोले तो इनको पूरे एकदम 10,000 देने के करीब के थे। चिलर 3,500 रुपए के करीब में हम लोग जमा करे थे, ये पैसे वो पैसे मिला के वो पैसे भी चले गए और भपका गया मेरा घड़ा गया तांबे का, बच्ची को शादी कैसे बोल के ला के रखे तो, और बोलते सो लगन जो आता अपना तांबे का वो गया, डोंगा घड़ा ये 5-6 आइटम गए भाई, टीवी भी गए, एलईडी टीवी 3 महीने हो रहा है टीवी होके, टीवी की भी बिल है मेरे पास, आपको वो भी पेश करती। इससे आपको कहां पर हम लोग ये बंदलगुड़ा सोहेल सोहेल कॉलोनी बोल के है, केसीआर का जो हॉस्टल है ना, रॉयल सी होटल के पास, तो वहां पे हमारे को दावत थी आज, तो हम लोग वहां गए हुए थे, मैं हमारे घर वाले बच्चे पूरे मिलके। आपको कैसा पता चला यहाँ पर? हम लोग जस्ट घर का दरवाजा खोले तो हमारा जो जाली वाला डोर है वो डोर को लॉक टूटा हुआ था, हम लोग एक डोर को अंदर से लगा के जाली को कुफल डाल के बाहर के दरवाजे लगाते थे। हाथ तक पूरा सामान बिखरा हुआ रहने की सूरत में हम लोग डर के क्या करे, कोई सामान को हाथ नहीं लगा, सीधा मलारदेवपल्ली पीएस को, बिल्कुल मलारदेवपल्ली पीएस वालों को फोन करे, वो लोग आके देख के करके गए, सुबह 10 बजे आने के लिए बोले। और मेरी गुजारिश है भाई, यहाँ पे हमेशा यही होते रहता, मेरे घर में ये दूसरी बार है ये वारदात हो रही, सो मालूम समझ में नहीं आ रहा चोर कौन है, या हम खुद चोर हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको बोलना क्या है, कोई चोर को हमारे को पकड़ के लाके कोई देने वाला नहीं, हम गरीब सुबह उठे तो हमारे घर वाले ऑटो को जाने वाले, जाके मेहनत करके आते सब। समर उत्सव मेला लेकर आए हैं 180 डिग्री मराइन व्यू फिश टनल एंड एक्वेरियम। अब आपको दुबई, सिंगापुर या मलेशिया जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी रफीक भाई का नया कारनामा पेश है जो आपने कभी नहीं देखा। वैसे रंग बिरंगी और बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ देखने मिलेंगी। समर उत्सव मेला 2023 हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स कंज्यूमर एग्जीबिशन, इंडिया का नंबर 1 एग्जीबिशन। आप अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और शॉपिंग, फूड कोर्ट, अम्यूजमेंट राइड्स जैसे जाइंट व्हील, ब्रेक डांस, कोलंबस, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा कोवा और भी बहुत कुछ का मजा लें। रोजाना शाम 4 बजे से 11 बजे तक खूबसूरत और साफ माहौल का मजा लीजिए। और इतना ही नहीं, डिजाइनर सूट्स, ड्रेस मटेरियल, फैशन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गार्मेंट्स, फुटवेयर, किड्स प्ले एरिया, कार पार्किंग की सहूलियत के साथ। तो फिर देर किस बात की, जल्दी आएं अपनी फैमिली के साथ समर उत्सव मेला का मजा लीजिए। समर उत्सव मेला 2023, पीपल्स प्लाजा, नेकलेस रोड, हैदराबाद।